पुरुषयावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम मनोजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब कल की कथा में प्रिय भक्तों, मैंने आपको भगवान राम के बाल लीला का वर्णन सुनाया और भगवान श्री राम माता जी को बालपन का सुख प्रदान कर रहे हैं और भगवान का आज की कथा में भगवान के आगे के चरित्र का वर्णन करूंगा। भगवान का इतना सुंदर चरित्र है। लिखय प्रात काल उठिकय रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वहिमा था आय सुमांग करहिं पुर काजा देखि चरित हर्षित मन राजा। भगवान राम प्रातः काल उठ जाते थे और उठते ही माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। इसके बाद आज्ञा मांग करके पुर का कार्य करते थे और बड़ा ही अच्छा भगवान राम का अयोध्या में के लोगों के प्रति, महाराज दशरथ के प्रति, महारानियों के प्रति बहुत ही स्नेह युक्त रहन सहन था। लिखा है कि प्राणहुते प्रिय लागहिं सब कहूँ राम कृपाल। सब भगवान राम को अपना ही बालक ही की तरह स्नेह करते थे। इतना सुंदर आचरण भगवान श्री राम का था। अब लिखा है, गोसाई जी लिखते हैं, यहाँ सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई। ये चरित्र भगवान के बाल लीला का चरित्र तो करोड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर भी तो मैं भला किस गिनती में हूँ। अब आगे का चरित्र इस प्रकार से है, मन लगाकर आप लोग सुनिएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महाराज बड़े ज्ञानी मुनि थे, जंगल में निवास करते थे। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहीं अति मारुई च सुबाहु डरहीं। जैसा कि मैंने वर्णन किया है कि रावण ने आदेश ही कर दिया था कि भाई जप जोग यज्ञ श्राद्ध कुछ न होने पाए, तो विश्वामित्र के पास जहाँ जंगल में रहते थे, जप जोग करते थे, तो वहाँ मारीच सुबाहु उपद्रव करते थे। महात्मा लोग यज्ञ हवन नहीं कर पाते थे, यज्ञ विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र को चिंता हुई कि किस प्रकार से यज्ञ हवन किया जाए, क्योंकि निशाचर बहुत बढ़ चुके हैं। लिखा है, गाधित नय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। गाधित ने विश्वामित्र के मन में जब चिंता हुई तो उन्होंने विचार किया कि क्या होना चाहिए भाई इसके लिए, बिना भगवान के तो मरेंगे नहीं। और आगे जब विचार बढ़ाया तो बोले, भगवान का अवतार तो हो चुका है पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। बड़े प्रसन्न हुए, मन में कामना जाग उठी, यही मिस देखो पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। बढ़िया समय है, एक कारण भी है दर्शन करने का, ये राक्षसों का उपद्रव, और जाऊँ भगवान का दर्शन करूँ और निवेदन करके दोनों भाइयों को लाऊँ और इनका निश्चरों का नाश करवाऊँ। ऐसा मन में सोच करके और विश्वामित्र आगे बढ़ते हैं, चल देते हैं महाराज दशरथ जी के यहाँ। लिखा है, बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं वार करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहु विधि करत मनोरथ, देखिए भक्तों, रास्ता आप चलते रहिए, यदि कोई मनोरथ सोचने लगेंगे ना तो रास्ता कब खत्म हो गया,
भान नहीं होता है कि कितना जल्दी रास्ता ख़त्म हो जाता है, रास्ते का की दूरी समझ में नहीं आती है। तो इसी प्रकार से भगवान के दर्शन की लालसा का मनोरथ जो था मन में करते हुए अवशिष्ट जी विश्वामित्र जी जल्दी ही पहुँच गए। कहाँ? सरयू के किनारे, और सरयू में स्नान करते हैं और राजा के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। मुनियागवन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। महाराज विश्वामित्र आए हैं, ऐसा जब महाराज दशरथ ने सुना तो ब्राह्मणों के समाज के सहित जाकर उन्हें उनसे मिलते हैं। करिदंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारियानी। दंडाकार गिर जाते हैं। महाराज दशरथ बड़ा सम्मान करते हैं और अपने आसन पर बैठाते हैं। करि पूजा सीतारम चरण पखारि कीन यति पूजा, मोसम आज धन्य नहीं दूजा। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरण धोए और कहा, आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि भर हृदय हर्ष अति पावा। बहुत प्रकार के व्यंजन बनवाए और विश्वामित्र को भोजन करवाए। भोजन करवाने के बाद पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। फिर महाराज दशरथ ने भोजन करने के उपरांत चारों पुत्रों को बुलाया और महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए आदेश किया। राम को देखकर विश्वामित्र अपने देह की सुध ही भूल गए। भई मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जब भगवान श्री राम के मुख की शोभा देखते हैं तो विश्वामित्र ऐसे मगन हो जाते हैं जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को देखकर चकोर। लिखा है जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर सीताराम तब मन हरसि वचन कह राऊ, मुनियस कृपा न कीन्हू काऊ। तब बड़े पुलकित शरीर से बड़े आनंद मग्न दशरथ जी कहते हैं कि महाराज ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहा कहा तो सुनाथ न लाऊ बबाराम। स्वामी किसका कारण से आपका आगमन हुआ है, आप बोलिए तो मैं देर नहीं करूंगा, आज्ञा कीजिए। महाराज दशरथ कह रहे हैं आज्ञा कीजिए, किस कारण से आगमन हुआ है। तो विश्वामित्र जी डायरेक्ट कह देते हैं, क्या कहते हैं, असुर समूह सता वही मोही, आयउन पुजाचन मैं तो ही। ऐ राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, परेशान कर रहा है, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। और रुकते नहीं है, कह देते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध हम हो सनाथा। क्या मांगने आया हूँ, छोटे भाई के सहित भगवान को मुझे दे दो, राम को मुझे दे दो, मैं राक्षसों को मरवा दूँ, सनाथ हो जाऊँ। देहु भूप मन हर्षिति तजहु मोह अगजान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ न कहाँ अति कल्याण। हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा, ऐसा विश्वामित्र जी कहते हैं। लेकिन जैसे राम दोनों भाइयों को दे दो शब्द सुनते हैं महाराज दशरथ सूख जाते हैं। जब चेहरा उतर गया तब वो कहते हैं वशिष्ठ जी की, राजन मोह न करो, दे दो, इनका कल्याण परम कल्याण होगा, तुम्हारा सुयश होगा। गोसाई जी लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनि राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मन मुख दुति कुमिलानी। हृदय कांप गया महाराज दशरथ का और
मुख की दुति कुंवला गई। कहते हैं विश्वामित्र जी से, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। अभी तक तो बड़ा सत्कार था विश्वामित्र जी का, साक्षात दंडवत गिर गए अपने हाथ से। महाराज दशरथ ने चरण धोए विश्वामित्र के, चक्रवर्ती नरेश हैं, भगवान राम के पिता हैं, लेकिन कितने सरल हैं, अपने हाथ से विश्वामित्र के चरण धोए, अपने सिंह अपने आसन पर बैठाए। जो राजा का आसन था, चक्रवर्ती नरेश का जो आसन था, उस आसन पर विश्वामित्र को बैठाए, नाना प्रकार के भोजन करवाए, पुत्रों को चरणों में प्रणाम करने के लिए आदेश दिया। लेकिन जब भगवान को मांग लेते हैं, पुत्रों को मांग लेते हैं विश्वामित्र, तो महाराज दशरथ कह देते हैं, अरे चौथे पन पायो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। ऐ ब्राह्मण देवता, चौथे पन ये पुत्र मुझे मिले हैं, विचार कर नहीं मांगा आपने, कहाँ इतना बड़ा सम्मान, कहाँ ये शब्द। सीताराम आगे कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं ना, मांगने के आप अधिकारी हैं, अरे मांगना है तो मांग धेनु जोर धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा, अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। कहते हैं यदि आपको मांगना है तो आप पृथ्वी मांगिए, गौ मांगिए, धन मांगिए, खजाना मांगिए, राज मांगिए, सर्वस्व मांग लीजिए, यहाँ तक कि शरीर से भी कुछ नहीं होता है, मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं इतना जल्दी दे दूंगा कि निमिष कहते हैं पलक झपकने और गिरने के समय को, इतने समय में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सब सुत मुहि प्रिय प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं प्रभु, लेकिन राम को तो देते किसी तरह बनता ही नहीं। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। उधर विश्वामित्र ज्ञानी मुनि है, पहले ही लिखा है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तीनों काल का ज्ञान था, क्या होना है क्या नहीं होना है। विभोर हो जाते हैं दशरथ की ऐसे प्रेम को देख करके विश्वामित्र, हृदय हर लिखा है, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय में हर्षित हो जाते हैं। कहते तो सुन तो कठोर शब्द रहे हैं दशरथ के, कहाँ इतना सम्मान, कहाँ ब्राह्मण कह दिया अकेला, लेकिन हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं कि कितना अधिक प्रेम है भगवान श्री दशरथ जी का। लिखा है हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निप संदेह नाश कहूँ पावा। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को अलग बुला करके अब बहुत प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, तब महाराज दशरथ का संदेह नष्ट हो गया और उन्होंने अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लागी लाई बहु भांति सिखाए। दोनों पुत्रों को, भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को बुला करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता याने नहीं को, अये हे नाथ ये दोनों मेरे प्राण हैं, हे मुनि अब आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं, भगवान राम को लक्ष्मण को दशरथ जी सौंपते हुए विश्वामित्र से कहते हैं, स्वामी अब आप इनके पिता हैं और कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र के स्नेह को पिता ही जानता है, पुत्र को पिता से अधिक चाहने वाला इस धरा पे कोई नहीं होता। दशरथ जी आज कह रहे हैं विश्वामित्र से कि महाराज तुम मुनि पिता आने नहीं को, तुम्हारा और मेरे पुत्रों का रिश्ता पिता का है, आप पिता हैं ये आपके पुत्र हैं, ऐसा समझ के रखिएगा। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे दीन शीस,
जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीसो। और जब विश्वामित्र को महाराज दशरथ अपने पुत्रों को सौंप देते हैं तो फिर भगवान ने कहा थोड़ा माता जी से आज्ञा लेके आता हूँ, और माता जी से जल्दी ही प्रणाम करके लक्ष्मण और भगवान श्री राम चले आते हैं। अब भगवान लक्ष्मण भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं। उनके सुंदरता का वर्णन है, कटिपट पीत कसे भर भाथा रुचिर चाप सायक दुभाथा। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना मोहिनी पिता तजो भगवान। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी महानिधि विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई है। विश्वामित्र जी अपने मन में विचार करते हैं कि ब्राह्मणों के भक्त मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। अब ऐसी कल्पना विश्वामित्र अपने मन में करते हैं, लिखा है चले जात मुनि दीन दिखाई सुनिताड़ का क्रोध करिधाई। जाते जाते रास्ते में अचानक ताड़का आ गई। विश्वामित्र ने बताया कि स्वामी इसको मारिए, बड़ी दुष्टात्मा है ये। एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण पर बाण से ताड़का का वध कर देते हैं और अपना धाम अपने धाम को भेज देते हैं। ऋषि तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न छुधा पिपासा यतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला के लिए उनको विद्या प्रदान करती हैं करते हैं जिससे भूख और प्यास न लगे। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को देते हैं और शरीर में अतुलित बल और तेज हो जाए। और सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल फल का भोजन करवाया। रात भगवान विश्राम करते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम में। सवेरे भगवान नहा धोके तैयार हो जाते हैं और महात्माओं को कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान ने कह दिया मुनियों से कि निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, कोई डर न कीजिए। होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। महात्मा लोग स्वाहा स्वाहा करने लगे। भगवान राम यज्ञ के रक्षक बने धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं। तब सुनिमारी चेनिसाचर कोई लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु परवान राम तेहि मारा सत जो जन लाय उलय सीताराम सत जो जन गा सागर पारा। तब मारीच अपनी सेना को लेकर भगवान की तरफ बढ़ा तो भगवान ने मारीच को बिना फरका ही बाण चला दिया मार दिया, जो सौ सौ योजन समुद्र को पार करता हुआ लंका में गिरा। सीताराम पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निसाचर कटक संहारा। और अग्निबाण से सुबाहु को मार दिया और जो निश्चरों की सेना थी उन्हें लक्ष्मण जी ने मार दिया। मारिय सिर असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुति करही ओम मुनि झारी। सीताराम अब निश्चरों का संहार भगवान कर देते हैं दोनों भाई मिलकर के, और देवता और महात्मा लोग भगवान की स्तुति करते हैं। अब
माता पुनि कछु के दिवस रहे रघुराया रहे कीन विप्रण पर दाया। वहाँ पर कुछ दिन भगवान ब्राह्मणों के साथ रहे, जो यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मण करते थे विश्वामित्र के आश्रम में, वहाँ कुछ दिन रह के भगवान ने ब्राह्मणों के साथ समय व्यतीत किया, उनको सुख दिया। इसके बाद सीताराम तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि एक यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, तो वहाँ चलना चाहिए। तो लिखा है धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साधा। भगवान राम और विश्वामित्र लक्ष्मण चल दिए जनकपुर धनुष यज्ञ देखने के लिए। रास्ते में आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहना। एक आश्रम देखा जहाँ पर खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं है। पूछा मुनि ने शिला एक देखी सकल कथा ऋषि कहे उभिषेखी। एक शिला एक पर्वत स्त्री रूप में खड़ा है, उसे देख करके भगवान ने विश्वामित्र से पूछा कि इसका क्या रहस्य है स्वामी। प्रिय भक्तों, समय का अभाव है इसलिए आज वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे की कथा कल सुनाऊंगा। जय श्री राम।